बालाघाट जिले में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां की अपनी अपनी मान्यता है। लोग श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन को जाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। अक्सर पहाड़ों व घने जंगलों में देवी देवताओं का वास देखने को मिलता है। इन्हीं देवी देवताओं में एक धाम है माँ अन्नपूर्णा का भी, जहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और माता रानी उनकी मुरादें पूरी करती हैं। घने जंगल, पहाड़ों और कंदराओं में माँ अन्नपूर्णा का धाम है। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर हट्टा क्षेत्र के ग्राम गड़दा बुड़ेना गांव के सघन जंगलों से घिरी ऊंची पहाड़ी में माँ अन्नपूर्णा विशाल पाषाण प्रतिमा के रूप में विराजमान है, जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु माँ के दर्शन को आते हैं, जिस कारण यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। एक्सटेंशन व्यू। स्थानीय लोगों के अनुसार इस देवी धाम को लेकर स्तंभर माँ अन्नपूर्णा के प्रकट दिवस के लिए मना जाता है, जहाँ 2006 सितंबर माह में माँ अन्नपूर्णा अस्तित्व में आई थी और गड़दा की पहाड़ी में गुफाओं के अंदर माँ की विशाल प्रतिमा देखी गई थी। बताया जाता है कि स्थानीय गड़दा निवासी वीर सिंह अड़मे कुमार ने स्वप्न देकर स्वयं के प्रकट होने की जानकारी दी थी। इसके बाद लोगों ने उक्त स्थान पर जाकर देखा तो अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति नजर आई। बस तभी से लोगों ने माँ अन्नपूर्णा देवी की पूजा आराधना प्रारंभ कर दी। हमने देवी भक्त वीर सिंह अड़मे से चर्चा की, जिन्होंने माँ अन्नपूर्णा ने स्वयं स्वप्न देकर प्रकट होने की जानकारी दी। जय माँ अन्नपूर्णा चामुंडा तुर्जा भवानी बगलामुखी शेषनाग बाबा गुफा के राजा भैरव बाबा विष्णु माता शारदा माता काली माता सरस्वती माता लक्ष्मी माता अंकुरी माता बजरंगबली भोलेनाथ कामाख्या माँ भगवंती सती मैया कोटीपाट बाबा शेरावाली माता माता कंकाली माता कवालगढ़ की तीनों माता विश्वकर्मा दादा साहिनाथ माता चंडिका माता काली का परशुराम बाबा बैगा वैगिन के गंगे माता गणराजा बंजारी माता वनग्राम देवता सगर देवता चंसर कोठी देवता गांव की बूढ़ी माता शिवबंधी की देवता बोधाल पाठ चिकाटी पाठ कुर्रा पाड़ा पाठ समानी देव इंद्र देव सूर्य देव पवन देव वरुण देव देवाजी देव महादेव फकीर बाबा ठाकुर बाबा गुरु गोरखनाथ धरती माता गायत्री माता गौ माता भारत माता वन देवी दिशा देवी सती सुंदरी माता चमक वाली माता संतोषी माता अग्नि माता बूढ़ा देव बाबा रामचंद्र भगवान अहा माया मेरी दसों उंगली की अर्जी माता गड़ी के समस्त देवता से प्रार्थना करता हूँ माँ आकर के यहाँ भोग ले लो माँ जगत जननी आपको भोग चढ़ाया जा रहा है। की विष्णु माता की जय कामाख्या माता की जय पार्वती माता की गोपा के राजा की जय जगदम्बे मैया की जय शेरा वाली माता की जय बोलो साचे दरबार की जय। 2006 से माता जी प्रकट हुई और तब से अभी तक कम से कम हजारों लोगों को संतान की प्राप्ति हुई जी। कई बीमार यानी कई प्रकार से परेशानी वाले जो कि यहाँ आते हैं सबकी मनोकामना माता जी पूरी करती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता, यहाँ पे कोई पैसा कोई किसी से नहीं लिया जाता। यहाँ आते हैं सिर्फ माता जी से अपनी इच्छा की मन की बातें माता जी से बोलना है और माता जी बराबर उनकी इच्छा पूरी करती है। जिस प्रकार माता रानी का यहाँ जो धाम है प्रकट हुआ है और यहाँ श्रद्धालु का आता है जो तांता लगा रहता है, इससे निश्चित एक प्रकार से प्रसिद्ध धाम कहलाएगा। तो क्या यहाँ पे जैसे जानकारी हमें हम तक प्राप्त हुई है कि यहाँ पे माता रानी के जो धाम में अंदर खजाने रखे हुए हैं कुछ शेषनाग वगैरह पहरा लगाती है, सत्यता है? ये सत्य है कि यहाँ पे शेर जी का पहरा रहता है, साथ में जो माता जी के वाहन सवार है शेर जी ये भी आते जाते रहते हैं। पब्लिक को आज तक किसी प्रकार की नुकसानी नहीं हुई, उनसे बिल्कुल आते हैं। क्या यहाँ पे माता रानी का खजाना भी भरा हुआ है? है अंदर में बताते हैं, माता जी बताती है। अच्छा, हम तो नहीं देखे हैं लेकिन माता जी स्वप्न में ऐसा बताते रहती है कि मेरे पास अपार संपत्ति है, अपार खजाना है। वर्ष 2006 में प्रकट हुई माँ अन्नपूर्णा को करीब 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन्हीं 15 सालों में माता रानी के अनेकों चमत्कार भी देखने को मिले हैं। संतानों को संतान की प्राप्ति, मरीजों को बीमारी से छुटकारा और गूंगों के कंठ में खुलना जैसे अनेकों चमत्कार माता के दरबार में देखने व सुनने को मिलते हैं।
भक्तों में मान्यता है कि माता की मूर्ति के पीछे से एक सुरंग भी है जो खजाने तक पहुंचती है, इसलिए माँ अन्नपूर्णा को खजाने वाली माता भी कहा जाता है। माँ के खजाने की रक्षा स्वयं माता के वाहक दो भूरे शेर और शेषनाग करते हैं, इसलिए आज तक उस खजाने तक कोई पहुंच नहीं पाया है। बाइट व्यू, माँ की लीला अपार है। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के समूह के बीच प्रकट हुई माँ अन्नपूर्णा के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर पहुँचते हैं। इस आस्था और श्रद्धा से यहाँ हर साल भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहने को तो यह धाम माँ अन्नपूर्णा कोठीपाट धाम से जाना जाता है, लेकिन इस धाम में कुल 65 देवी देवताओं का वास है। पहाड़ के शिखर पर प्रकट हुई माँ अन्नपूर्णा का धाम निश्चित ही श्रद्धा आस्था और विभिन्न चमत्कारों से भरा पूरा है। जहाँ इन चमत्कारों की डोर श्रद्धाओं को माता रानी के धाम तक खींच लाती है। माह सितंबर में माँ का प्रकट दिवस मनाया जाता है, जहाँ हवन पूजन समेत व भंडारी जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट।